आज मैं बना रही हूँ जर्दा, मीठा जर्दे की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं 300 ग्राम मैंने बासमती राइस ले लिया था और उसको मैंने अच्छे से धो दिया और धोकर मैंने 15 मिनट इसको भिगो दिया था। भिगोने के बाद में मैंने इसको अच्छे से, देखिए 90% ही आपने इसको कुक करना है। ये देखिए, मैंने इसको उबालने के लिए पहले से ही रख दिया था। ये देखिए, इस तरीके से आप करो तो आपको ये देखिए इस तरीके से टूटे हुए दिखना चाहिए, पूरे घुलना नहीं चाहिए, मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी रहना चाहिए, मतलब ये देखिए इस तरीके से टूटना चाहिए। 90% इसको कुक करना है हमने। अच्छा, मैंने इसको बॉईल करते टाइम मैंने इसके अंदर 2 इलायची 2 लौंग और 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा ऐड किया था। अभी इसको मैं ड्रेन कर दूंगी, मतलब छान लूंगी और फिर आपको आगे के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, 100 ग्राम मैं इसमें देसी घी यूज करने वाली हूँ। 200 ग्राम मैंने खोया लिया हुआ है, खोया, मावा, जो भी आप लोग बोलते हो। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम शुगर लिया। आप चाहो तो कम भी कर सकते हो और अगर ज्यादा मीठा खाते हो तो ज्यादा भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से किशमिश लिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है, छोटा ग्लास है मेरे पास में, छोटा ग्लास मतलब मैंने हाफ ग्लास लिया है, मतलब कि हाफ कप के हिसाब से आप ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिया है, देखिए मैंने 2 to 3 tablespoons मैंने सूखा नारियल था उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, लंबे लंबे से स्ट्रिप में कट कर लिया है। और यहाँ पर टूटी फ्रूटी है मेरे पास में और चेरी है। तो टूटी फ्रूटी मेरे पास में रेड कलर की है, इसके लिए मैं फूड कलर जो यूज करने वाली हूँ वो है, यहाँ पर मैंने ग्रीन लिया है, पिंच ऑफ ग्रीन फूड कलर है। और यहाँ पर मैंने लिया है येलो फूड कलर लिया हुआ है, आपकी मर्जी है, आप जो भी कलर का यूज करना चाहते हो आप ले सकते हो। अच्छा, मैंने राइस बॉईल करते टाइम सेम यही चीज डाली थी, 2 इलायची 2 लौंग और सिनेमन स्टिक का 2 इंच का टुकड़ा, तो ये मैंने और लिया हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। देखिए, मैंने 100 ग्राम घी जो है ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए इलायची लौंग, जिसको देखिए इलायची का जो इस तरीके से मैंने देखिए मुंह खोल दिया है, और इसमें हम डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे हम फर्स्ट। इसके अंदर देखिए ये ड्राई कोकोनट डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में ही। अब यहाँ पर देखिए हम डालेंगे थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश जो है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, आधा जो है इसमें से मैं काजू, बादाम और ये जो किशमिश है और ये जो नारियल जो है, मतलब कि सूखा नारियल, इसको मैं आधी निकाल लूंगी। ये मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे और 2 टीस्पून हम दूध जो है बचा लेंगे, जो कि मैं 1 टीस्पून यहाँ पर येलो फूड कलर में ऐड करने वाली हूँ और ग्रीन में ऐड करने वाली हूँ। देखिए बाकी जो दूध है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ में हम डाल देंगे चीनी और चीनी को हम मेल्ट होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चीनी जो है अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने 90% राइस जो है कुक किया था ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये हम इसमें डाल देंगे पूरा। आप 100% पका लोगे ना तो फिर ये होगा कि बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि एकदम मैशी सा बन गया है हमारा जो जर्दा है वो एकदम मैशी सा हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चावल जो है गल चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए हम बहुत हल्के हाथ से इसको मिला लेंगे, और अगर आप टोटली पका भी लोगे तो फिर आप चम्मच नहीं मार सकते हो उसमें। और अगर आप 90% से कम बनाते हो तो, मतलब पकाते हो, तो फिर ये चांसेस रहते हैं कि आपके जो चावल है वो एकदम कड़क भी हो सकते हैं। तो 90% आप ध्यान में रखिएगा, मतलब कुक होने वाला है, आपको पता है कि अभी ये आप 5 मिनट और रखोगे तो ये पक जाएगा, तो वो स्टेज पे आपने चावल को उतार लेना है, बस इस तरीके से। ये देखिए अंदर हम आधा जो है खोया डाल देंगे। ये देखिए, मतलब इतना सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है, और इसको हल्का सा स्टर कर लेंगे बस इस तरीके से। फिर इसके बाद में हम एक साइड पर येलो फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, अगर आप चाहो तो ऑरेंज भी ऐड कर सकते हो, ऑरेंज भी कर देना अगर आप चाहते हो तो। और अब हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी, चेरी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देंगे अभी। और
इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। 5 मिनट में इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा, तो स्लो फ्लेम पर अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको 10 मिनट, मैंने आपको 5 मिनट बोला था लेकिन 5 मिनट के बाद में मैंने चेक किया तो वो उतना नहीं पूरा सूखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने 10 मिनट के बाद इसको ओपन किया है और इसका मैं साइन आपको बता देती हूँ। ये देखिए बहुत ही खुले खुले से चावल, देखिए चावल जो आपको देखिए इस तरीके से बैंड होते हुए दिखे तो मतलब समझ जाइए कि राइस जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चलिए अभी मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मीठा जर्दा जो है बनकर तैयार है। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।